हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल सिम्पल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इकत्तीस दिसंबर दो हज़ार बाईस का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे सबसे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें कर रहे हैं ऑलरेडी uh, वही सपोर्ट बरकरार रखें प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल और बहुत बहुत आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ मैं क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है मेलाटोनिन वो सीन इन न्यूज़ रिसेंटली आपको बताना है क्या है ये मेलाटोनिन मेलाटोनिन के ऑप्शन आपके सामने हैं वाइल्ड बर्ड स्पीशीज़ बी अ वायरल डिसीज थर्ड अ हार्मोन रिलेटेड टू स्लीप या डी आपका है टेक्नोलॉजी यूज इन स्पेस तो आपको बताना है कि मेलाटोनिन क्या है से रिलेटेड आई होप ये आसान सवाल है आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे ठीक है ना दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन और आई आई होप आप सब इसका आंसर दे पाएंगे तो लेट मी टेल यू द आंसर नाउ मेलाटोनिन एक्चुअली में एक स्लीप रिलेटेड हार्मोन है इट इज़ अ हार्मोन रिलेटेड टू स्लीप नेचुरल वैसे नेचुरल प्रोडक्ट भी है मेलाटोनिन विच इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल इट्स अ प्रॉपर हार्मोन विच इज़ रिलीज बाय द पिनियल ग्लैंड याद रखेगा पिनियल ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में होता है नाइट टाइम में वहाँ से ये रिलीज़ होता है एंड ये कंट्रोल करता है स्लीप और वेक साइकिल को तो या मैं आपको फिर से बता दूँ थोड़ा कुछ फैक्ट्स मेलाटोनिन एक हार्मोन है विच इज रिलीज बाय द पीनियल ग्लैंड लेट मी राइट डाउन इज पीनियल ग्लैंड विच इज देयर इन द ब्रेन पार्ट एंड ये क्या करता है स्लीप एंड वेक साइकिल को जो है हमारे कंट्रोल करता है स्लीप वेक वेक साइकिल को मेलाटोनिन। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री इनमें से कौन सी कंट्री एक लैंड लॉक्ड कंट्री है आपको बताना ऑप्शन आपका सामने पोर्चुगल, पॉर्चुगल फासो कम्बोडिया अंगोला सो इफ यू रिमेंबर द मैप्स आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर नॉट बुरकीना फासो इज अ कंट्री विच इज अंड लॉक्ड अदरवाइज एवरी वन एवरी अदर कंट्रीज शेयरिंग बॉडर विद सम वाटर बॉडीज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट कह रहा है बैंक डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स ठीक है ना सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है देर इज एन इंक्रीज इन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपको बताने कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो इनमें से क्या चीज होगी ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोग अटेम्प्ट करिए दिमाग लगाइए लेट मी टेल यू दी आंसर देखो इंटरेस्ट रेपो रेट जब इंक्रीज होता है तो ऑब्वियस सी बात है बैंक के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो सब भी बढ़ जाते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो ई है वो आपकी बढ़ जाएगी फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा है बैंक डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन लोस्ट ये गलत हो जाएगा क्योंकि बैंक से अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो फर्स्ट इज रॉन्ग सेकंड इज राइट बी विल बी द आंसर फॉर दिस तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी तीन सवाल आपके सामने थे तीनों में आपने कुछ नया सीखा होगा आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में मोस्ट स्मॉल सेविंग प्लान्स टू हील्ड मोर इन न्यू क्वार्टर अब क्या किया है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स थी उसके जो इंटरेस्ट रेट है न्यू क्वार्टर के वो बढ़ा दिए हैं अब देखो क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वन ईयर टाइम डिपॉजिट फाइव ईयर टाइम डिपॉजिट फाइव ईयर रिकरिंग डिपॉजिट एक्चुअली पोस्ट ऑफिस में जो आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है वो तीन हेड्स में डिवाइडेड है लेट मी टेल यू फर्स्ट द डिटेल्स पहले मैं डिटेल्स आपको बता दूँ स्मॉल सेविंग स्कीम्स बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिनका एम ये है कि सिटीजन्स जो हैं वो कुछ पैसे सेव करें इन ऑफ देयर एज वो कुछ पैसे सेव करें ठीक है ना अब वो पैसे सेव करने के लिए आ, अलग अलग मेथड्स गवर्नमेंट ने बनाए बनाए हैं इनका इंटरेस्ट रेट अमूमन ज़्यादा रखा जाता है ताकि स्मॉल सेविंग स्कीम्स का इस्तेमाल करें लोग हो सकता है कि लोगों को पता हो कि सेविंग अकाउंट में इतना पैसा नहीं इंटरेस्ट रेट नहीं है लेकिन अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मिलता है तो इन ऑफ़ द एज आपको बेनिफिट मिलता है कि आप पैसे स्टोर कर सकते हैं ठीक है ना अब ये जो डिपॉजिट्स हैं ये तीन हेड्स के अंदर है टेल यू यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा थ्री हेड्स हैं फर्स्ट हेड इज द पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स फर्स्ट हेड इज द पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट सेकेंड हेड इज द सेविंग सर्टिफिकेट एंड थर्ड इज द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ठीक है ना पहला कौन सा है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट दूसरा है सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड तीसरा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तो जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हैं वहाँ पर डिपॉजिट्स होते हैं सेविंग डिपॉजिट्स के रूप में या रिकरिंग डिपॉजिट्स के रूप में या टाइम डिपॉजिट्स के रूप में और टाइम पीरियड रहता है वन टू थ्री एंड फाइव ईयर्स मेच्योरिटीज़ का ठीक है ना तो इसीलिए जो अभी अपन देख रहे थे ना वन ईयर फाइव ईयर फाइव ईयर ये सब पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के अंदर है सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आपका बेसिकली आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अंडर द सेविंग सर्टिफिकेट हेड्स कौन कौन से आते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र तो किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आते हैं सेविंग सर्टिफिकेट हेड के अंदर और जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसमें आपको ए के अंतर्गत जो इनकम टैक्स वो है कंसेशन है वो भी मिलता है ए के अंतर्गत ठीक है ना एन में इसके अलावा थर्ड जो हेड है वो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम तो अब कुछ जैसे इम्प्लॉयज़ रहते हैं और कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए अगर आपको स्कीम लेनी है तो आप ले सकते हैं प्रोविडेंट फंड स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है और दूसरी है सुकन्या समृद्धि अकाउंट है ठीक है ना एंड इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी है तो ये जो बेसिकली है ये तीन हेड्स के अंदर मैंने आपको बता दिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वन ईयर फाइव ईयर फाइव ईयर जो है ये तो आपके पोस्ट ऑफिस वाले हो गए इन तीनों के रेट ऑफ आप इंटरेस्ट आपको बढ़े हुए दिख रहे होंगे एक का सिक्स कर दिया एक सेवन कर दिया तीसरे का फाइव ईयर रिकरिंग का सेम रखा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो मैंने अभी आपको बताया था सिक्योरिटी में उसका बढ़ा दिया है, देखो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का बढ़ा दिया है, देखो से सेवन कर दिया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का देखो बढ़ा बराबर रखा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का और सुकन्या समृद्धि का बराबर रखा है तो उसको चेंज नहीं किया है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी आई होप आपको अच्छा लगा होगा दूसरी न्यूज है कोर सेक्टर आउटपुट राइजेस फाइव इन अन रिकवरी तो अब जो कोर सेक्टर का आउटपुट है वो बढ़ा है सबसे पहला सवाल तो कोर सेक्टर होते कौन कौन से हैं आठ कोर सेक्टर्स से, हैं पहला है कोल सेकंड है क्रूड ऑयल थर्ड है नेचुरल गैस फोर्थ है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स फिफ्थ है फर्टिलाइजर स्टील सिक्स है सीमेंट सेवेंथ है इलेक्ट्रिसिटी एट है एट कोर इंडस्ट्रीज जो है लगभग फोर्टी परसेंट फोर्टी पॉइंट टू सेवन परसेंट कंस्ट्रीट्यूट करती हैं आपके आईआईपी का यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इसके अलावा अगर आपको इन आठ कोर इंडस्ट्रीज में से वेटेज जानना है कि किसका कितना वेटेज है तो वो मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री का जो कि अट्ठाईस दशमलव दो जीरो चार परसेंट है सेकंड वेटेज है इलेक्ट्रिसिटी का जिसका नाइनटीन पॉइंट एट फाइव है तीसरा स्टील का जिसका सेवनटीन पॉइंट नाइन टू है चौथा है कोल का टेन पॉइंट थ्री थ्री है क्रूड ऑयल का एट पॉइंट नाइन एट है नेचुरल गैस का सिक्स पॉइंट एट एट सीमेंट का सातवां है फाइव पॉइंट थ्री सेवन और फर्टिलाइजर का आठवां है टू पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट आप इन सबको जोड़ के देख लीजिएगा बाकी ये आपका जो परसेंटेज वाइज बेसिस है उसके हिसाब से ये है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस कोर सेक्टर न्यूज़ ऑल्सो यहाँ पे भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा अनेशन इज मॉर्निंग यहाँ पे ब्राजील की बात चल रही है द क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू आपको पता होगा इट इज कॉर्कोवाडो माउंटेन रियो डिजेनेरो ब्राजील में है ये याद रखेगा कार्कोवाडो माउंटेन्सो कॉर्को वेडो माउंटेन्स है ये आपका पता है, वो होना चाहिए ये जो सात अजूबे थे पहले उसमें भी एक एक है ना क्राइस्ट डी द रिडीमर स्टैचू जो है एंड कार्कोवाडो माउंटेन्स रियो डिजेनेरो में है वहाँ पर इसको कल इल्यूमिनेट किया गया फ्रॉम द ब्राजीलियन फ्लैग कलर तो ब्राजीलियन फ्लैग्स है जिसमें Green or yellow uh... टेक्सचर आता है तो वहाँ पे क्योंकि द फुटबॉल लेजेंड पेले डाइड एट द एज ऑफ 82 टू ये आपको पता होना चाहिए एंड याद रखेगा कि पेले को ब्लैक पर्ल भी कहा जाता था ही वॉज नोन एज द ब्लैक पर्ल है ना पेले को कहा जाता था ब्लैक पर्ल फुटबॉलिंग जीनियस एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैं रहा मैम गॉर मीन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विल बी मेसी बट एव एनी वेज पेले वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ही चेंज द डेफिनेशन ऑफ दिस फुटबॉल गेम एंड ही चेंज द रूल्स ऑफ द फुटबॉल गेम ही ब्रॉट सो मच टेक्निक्स इन टू दिस गेम तो फाउंड एट सिगुर इन मधुमलाई टाइगर रिजर्व तो बस यहां पर आपको बताना चाहता था कि मुधुमलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है सिगूर एक एलिफेंट कॉरिडोर है याद रखेगा इट इज अलिफेंट कॉरिडोर मुधुमलाई टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु लोकेटेड इन तमिलनाडु आई होप यू विल रिमेंबर इट अगली न्यूज बहुत ही अच्छी है स्टडी शोज बटरफ्लाइज बी डेजल प्रिडेटर्स एंड स्केप तो यहाँ पे बटरफ्लाई के बचने का एक मैकेनिज्म आया है तो फाइव ईयर स्टडी चल रही है साइंटिस्ट है कहाँ के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज एन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज कहाँ पर है बेंगलोर में उन्होंने डिस्कवर किया है सीक्रेट ऑफ अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी गेम थ्रू विच बटरफ्लाइज कम टू वॉन फूल एंड स्केप देयर प्रडेटर्स यूजिंग ट्रेड्स अपने किस ट्रेड का यूज़ करके बटरफ्लाइज कैसे बचते हैं फूल करते हैं अपने प्रडेटर्स को वो है तो यहाँ पर ट्रेड्स जैसे कि विंग कलर पैटर्न एंड इवन फ्लाइट बिहेवियर दोनों से वो फूल करते हैं एक तो विंग कलर पैटर्न अपने विंग के कलर पैटर्न से और दूसरा आ, फ्लाइट बिहेवियर से वो फूल करते आ रहे हैं अपने प्रेडेटर्स को बचते आ रहे हैं कौन ना कि एडाप्टेशन का एक तरीका है उनके तो वो यहाँ पे बना है इसके ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करते हुए स्टडी में बताया गया कि जो दो तरीके के बेसिकली इन्होंने अपनाए हैं एक है मिमिक्री मिमिक्री एक एडेप्टिव फिना है मिमिक्री एक एडोप्टिव फिनना है मिमिक्री में एक पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म रिजेंबल करता है कि अनपैलेटेबल ऑर्गेनिज्म को टू डिसीव द प्रिडेटर जैसे प्रिडेटर खाने आया अब आप ऐसा बन जाओ कि आपको कोई खा ही ना सके ऐसी स्मेल छोड़ने लगो या ऐसे कुछ तो ये एक तरीके से आप अनपैलेटेबल बन जाओगे ना मिमिक्री का इस्तेमाल करते हैं बटरफ्लाइज भी एक अनपैलेटेबल ऑर्गेनिज्म को मिमिक करते हैं और जब प्रिडेटर आता है तो वो अनपैलेटेबल दिखते हैं तो इस कारण से उसको नहीं खाते तो अनपैलेटेबल जो होता है उसको बोला जाता है मुलेरियन को मॉडल बोलते हैं अनपैलेटेबल वन इज कॉल्ड द मॉडल्स मुलेरियन को मॉडल्स एंड जो पैलेटेबल वन होता है उसको कहते हैं मिमिक्स है mimics, ना बटेजियन मिमिक्स बोलते हैं ठीक है ना तो याद रखेगा एंड इंटरेस्टिंगली मिमिक्री इन बटरफ्लाईज इज नॉट लिमिटेड टू द रिजेंबलेंस इन विंग कलर पैटर्न अलोन एज

आगे मूव करते देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है स्ट्रॉन्ग केस एग्जिस्ट फॉर मैरिज इक्वेलिटी अब यहाँ पे सिंपल सी बात चल रही है कि क्या हम सेम सेक्स मैरिज की सेम सेक्स कपल्स मैरिज कर सकते कि नहीं कर सकते ऑब्वियस बात है करा जाएगा तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत कहा जाएगा ये मैटर अभी भी सब जुडाइस है पेंडिंग है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑथर ने एग्जांपल दिया है वर्ल्ड का जैसे कि अमेरिका का एग्जांपल दिया जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अमेरिका में लिबर्टी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई और इस कारण से जब वहाँ पे अलाउ किया गया तो सेम सेक्स मैरिज भी अलाउ की गई जस्ट कीपिंग इन माइंड द इक्वालिटी एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल तो क्या वही चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते तो ऑथर ने वही बताया कि सबसे पहले हमने डिक्रिमलाइज़ किया वहाँ पे हमने राइट टू प्रिवेसी और इक्वालिटी को कहीं कही ना कहीं दिमाग में रखा था है ना और इक्वालिटी एनालिसिस अगर किया जाए तो अभी उनको हर स्फीयर ऑफ़ लाइफ में आपको इक्वालिटी देनी चाहिए जैसा कि यहाँ पर मैरिज भी एक एक स्पेयर ऑफ़ लाइफ है वहाँ पर भी आपको देनी चाहिए तो कुल मिलाकर के ऑथर का सिर्फ इतना कहना है कि इक्वालिटी का मैटर है और सुप्रीम कोर्ट की चीज़ सोचनी चाहिए दैन दे शुड गिव द इक्वालिटी इन केस ऑफ मैरिज आल्सो टू द सेम सेक्स कपल ज़्यादा कुछ भी नहीं है मैं बिल्कुल आपको टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो या आपको लगे कि क्या अगली न्यूज़ है ईरान होल्ड्स मिलिट्री ड्रिल नियर स्ट्रैटेजिक स्टेट ऑफ हॉर्मोज सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में बता देता हूँ तो अगर आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोस देखें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मो इज अ स्ट्रेट बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ़ ऑफ ओमान तो पर्शियन गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है इट प्रोवाइड्स ओनली सी पैसेज फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू द ओपन ओशियन एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स तो जैसा कि आप लोग मैप पे देख पा रहे होंगे स्ट्रेट ऑफ जो है ये बीच में है देखो स्ट्रेट ऑफ हार्मो देख रहे हैं आपको दिस इज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एंड दिस इज बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओमान ठीक है यहाँ पे जो अदर अगल बगल की कंट्रीज देखो ईरान है यहाँ पे तो ईरान ने ही मिलिट्री ड्रिल की है यहाँ पे इसलिए की होगी क्योंकि बहुत करीब आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ है गल्फ ऑफ ओमान है दिस इज स्ट्रेट ऑफ़ और एंड यहाँ आपका ये यह कतर है ये कुवैत है यहाँ पे आपका इराक है ईरान है ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है ये ओमान है ये सऊदी अरेबिया है दिस इज सऊदी अरेबिया तो यहाँ पे ये यह भी याद दो क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन बनता है कि पर्शियन गल्फ़ को टच करने वाली कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो आपने देख ली इधर इधर और दूसरा क्वेश्चन स्टेट ऑफ हॉर्मर्स का बनता है किसको कनेक्ट करता है तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं अगली न्यूज़ है न्यू ट्रायल्स एट सेवन मोर ईयर्स टू ऑंग सू की जेल टर्म तो ऑंग सैन सू की ऑलरेडी उन्नीस साल की जेल टर्म थी उनके जेल टर्म को सात साल और बढ़ा दिया गया है छब्बीस साल कर दिया गया है Kyi, है ना आंग सैंसू की आप सबको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज विनर है एंड म्यांमार में डेमोक्रेसी लाने के लिए उन्होंने काम किया था एंड uh, इनके अगेंस्ट जो uh, मतलब आपके uh, वहाँ की मिलिट्री जुंटा है उसने जब अभी टेक ओवर किया पिछले साल दोबारा से तो उन्होंने इनको ऑलरेडी मतलब इनको अरेस्ट कर लिया और कहा कि आपने बहुत ज़्यादा करप्शन किया है तो चार्जेस जो थे वो बेसिकली करप्शन के थे है ना तो दीज वर द चार्जेस विच वर देयर एंड इनको बहुत सारे अवार्ड ऐसे मिले हैं जिसमें से नोबल पीस प्राइज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है नोबल पीस प्राइज दिया गया है है ना तो याद रखिएगा इसको इनका जो नोबेल प्राइज था वो उनको नाइनटीन नाइनटी वन में दिया गया था तो ये भी आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते एशियन डेवलपमेंट न्यूज में है तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है और एक इसको स्टैब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को हेडक्वार्टर्स का मनीला फिलीपींस में है ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर है ये कौन मेंबर बन सकता है तो इट कैन हैव मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड द पैसिफिक जिससे जिसको यू एन स्कैप बोलते हैं नॉन एंड नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं कई बार यू पी आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बोलेगा कि इसमें केवल एशियन कंट्रीज़ मेंबर बन सकती है तो नहीं नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज भी इसकी मेंबर बन सकती हैं ए डी बी में अभी प्रेजेंटली अट अड़सठ सिक्सटी एट मेम्बर्स हैं फोर्टी नाइन विद इन एशिया के हैं है ना बाकी सब आउटसाइडर्स हैं यू एस ए भी इसका वन ऑफ द टॉप मेम्बर्स ही आता है है ना लार्जेस्ट शेयर होल्डर जापान है फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वैसे दोनों बराबर हैं बट सबसे पहले हम जापान बोलते हैं फिर यू एस ए बोलते हैं फिर चाइना है फिर इंडिया है फिर ऑस्ट्रेलिया है ठीक है ना आ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट आती है एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट आती है जो कि यही निकालता है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल ये आपको याद रखना है So that is it for the day friends I hope you liked our video please like and subscribe keep loving us keep sharing us thank you have a nice day